क्लास 10 स्टूडेंट्स, अभी हमने क्लास 10 के लिए एक न्यू सीरीज स्टार्ट करी है और वो है प्रीबोर्ड स्पेशल्स। प्रीबोर्ड स्पेशल इट मींस ये एक्चुअली आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन होगी। अब क्या करना है आपको, एवरी डे अब मैं 2 o'clock पे इसके बेसिस पे वीडियो रिलीज करूंगी और वो वीडियो जो रहेगा आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके सभी क्वेश्चंस को। स्पेसिफिकली सैम्पल पेपर में जो नया नया पैटर्न आया हुआ है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया, उन सभी क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इसके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो स्टूडेंट, अब आपको डेली 2 o'clock पे 15 मिनट्स या फिर हाफ एन आवर निकालना है और ये वीडियो ध्यान से देखना है ताकि आपको एटलीस्ट उतना पोर्शन जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए अब एवरी डे हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे क्योंकि हमें केमिस्ट्री में एटलीस्ट साइंस में हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन जो है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। सो स्टूडेंट, चलो आज की क्लास शुरू करते। तो आज की क्लास में मैं जो आपको समझाने वाली हूं वो है assertion reason based questions। अब ये assertion reason based question क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन है। एक्चुअली मैं उन्होंने क्लास 9th में सॉल्व किया होगा बट फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और जबकि ये मार्क्स स्कोर करना सबसे इजी होता है, सबसे इजी होता है। अगर आपको उसका की पॉइंट अगर अच्छे से समझ में आ गया तो assertion reason based सॉल्व करना कोई भी डिफिकल्ट बात नहीं है। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं कि assertion और reason based question क्या होते हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि assertion क्या होता है। assertion means क्या होता है, एक सिंपल स्टेटमेंट। मैंने क्या कहा, assertion मतलब हम कहेंगे कि एक स्टेटमेंट हो सकता है, हो सकता है कि वो स्टेटमेंट सही भी हो या फिर गलत हो, ठीक है। अब दूसरा रहता है उसी स्टेटमेंट से एक एक रीजन दिया जाता है। उनका ये कहना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है तो उसका रीजन आपको बताना है कि ये करेक्ट है या फिर नहीं है। सो स्टूडेंट देखो, जब भी आप assertion reason based questions जब आप सॉल्व करोगे तो हमेशा आपको ये 4 points यहां पर डेफिनेटली मिलेंगे। तो चलो अभी हम इन 4 points को अच्छे से समझते फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट क्या कहा इन 4 points में, देखो यहां पर डी होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहां पर, डी होना चाहिए। ओके, देखो अब यहां पर क्या कहा, बोथ ए एंड आर, ए और आर क्या हो गया यहां पर, assertion और reason, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ये दोनों क्या है, ट्रू है, बिल्कुल, मतलब दोनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो बिल्कुल ही सही है, बट आर इज द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आर जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये वो बता रहे हैं। सो स्टूडेंट अब देखो यहां पर किस तरीके से वो वर्क करता है, अभी मैं समझाती हूं आपको। जैसे कि क्या assertion, एक एक मैंने स्टेटमेंट दे दिया कि मैं एक स्टूडेंट का नाम ले दूं राम, राम इज अ इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, राम इज अ इंटेलिजेंट बॉय, एक assertion हो जाए या ये ट्रू है। सेकेंड लाइन में मैंने लिखा राम इज अ इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, फिर सेकेंड लाइन में हमने लिखा राम इज ऑल्सो हार्डवर्किंग, मैंने कहा कि वो इंटेलिजेंट है और साथ में हार्डवर्किंग भी है। अब इन दोनों स्टेटमेंट को हम इसके कोरिलेट करेंगे। पहले तो मैंने क्या कहा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, वो तो ट्रू है दोनों की, भैया हार्डवर्किंग भी है इंटेलिजेंट भी है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं वो, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, किस चीज का है, ए का। तो इंटेलिजेंस और हार्डवर्किंग ये एक्सप्लेनेशन तो नहीं हुआ, हम कहेंगे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बट आर क्या है जो एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपको ए ऑप्शन लिखना पड़ेगा। अगर इन केस जो सेकंड स्टेटमेंट दिया वो एक्सप्लेनेशन है तो आपको कौन सा वो चूज करना पड़ेगा, बी, क्योंकि बी में क्या लिखा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। जैसे हमने कहा कि भाई राम इज ए इंटेलिजेंट बॉय करेक्ट है, राम इज अ हार्ड वर्किंग बॉय वो भी करेक्ट है, बट ये दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो फिर हमें क्या करना है, राम इज अ इंटेलिजेंट बॉय जो हमने लिखा, फिर हम नीचे लिख सकते हैं कि ही डजेस हिज होमवर्क एवरी डे, ठीक है, ही डज हिज होमवर्क एवरी डे। So, अगर वो अपना होमवर्क कंप्लीट करता है तो आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट में करेक्ट है या नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, जैसे राम इंटेलिजेंट है ये तो ट्रू है बट राम इज अ हार्डवर्किंग बॉय ये गलत है, तो आपको ये ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ए इज फॉल, राम इंटेलिजेंट ही नहीं है, ये ए ही गलत हो गया, assertion ही गलत हो गया, तो रीजन ट्रू हो सकता है, राम इज अ हार्डवर्किंग बॉय, तो
तो बेटा जब हम किसी भी दो स्टेटमेंट को रीड करेंगे तो हमें ध्यान से ये देखना है कि दोनों स्टेटमेंट में क्या एक सही है या गलत है, ये आपको अज्यूम करना है। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैं समझाती हूँ आपको। देखो यहां पर मेरे पास में एक पहला स्टेटमेंट है, उसमें क्या कहा, एक असर्शन दिया उन्होंने, क्या बोला है यहां पर देखो, नोबल गैसेस हैव जीरो वैलेंसी। अब आप सभी मुझे बताओ नोबल गैसेस की जीरो वैलेंसी होती है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, आपको याद होगा, होती है या नहीं होती? यस, डेफिनेटली होती है। अगर ये डेफिनेटली होती है, नोबल गैसेस की जीरो वैलेंसी होती है, और अगर जीरो वैलेंसी होती है तो असर्शन तो ये ए तो ट्रू है भाई, ए क्या है, ट्रू है, ये तो क्लियर हो गया। मतलब ये लास्ट ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि ए फॉल्स हो ही नहीं सकता। अब देखते हैं, अब क्या कह रहे हैं वो, नोबल गैसेस हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ये भी हमने देखा है, जैसे हम एग्जाम्पल ले नियॉन का, नियॉन में क्या होता है, 2-8 होता है इसका कॉन्फिगरेशन, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, किसी को इलेक्ट्रॉन देना नहीं, किसी से इलेक्ट्रॉन लेना नहीं, इट मीन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। और तो मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है उसका। तो देखो अब ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है, यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हुए, सी और डी तो हो नहीं सकता। अब हमें ये देखना है कि आर ए का एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं है, इट मीन्स आंसर किसमें होगा, ए या बी में से होगा। अब देखो उनकी जीरो वैलेंसी इसीलिए होती है क्योंकि वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेती भी नहीं है और किसी को देती भी नहीं है, और ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनका स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता है। इट मींस इसका करेक्ट आंसर जो है, मैं यहां पर लिख सकती हूं, क्वेश्चन वन का जो आंसर जो है, हम ये कह सकते हैं कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। सो स्टूडेंट देखो, जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से लिख रहे हैं, क्या ये करेक्ट है या फिर नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर टू में हमने क्या कहा है, ध्यान से समझो अभी। क्वेश्चन नंबर टू में इन्होंने क्या कहा, सिलिकन इज अ मेटेलॉइड, सिलिकन जो है वो मेटेलॉइड है। अब है या नहीं है ये आपको पता होना चाहिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है और हमें पता है कि सिलिकॉन जो है वो जिगजैग लाइन में आता है पूरे कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इट मींस मेटालिक प्रॉपर्टी कम होती जाती है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है। मेटल्स और नॉन मेटल्स को एक जिगजैग लाइन में हम सेपरेट करते हैं और उन्हीं जिगजैग लाइन में सिलिकॉन आता है, इट मींस सिलिकॉन तो मेटालॉइड है, ये तो श्योर है। तो ए तो ट्रू है भाई, ए क्या हुआ, ए तो ट्रू है, डेफिनेटली ये ट्रू है। अब देखते हैं कि ए ट्रू है तो सिलिकॉन शोज ओनली प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब देखो ए फॉल्स है तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब इन्होंने क्या कहा, सिलिकॉन शोज ओनली प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि मेटालॉइड क्या होता है, मेटालॉइड मतलब क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। और यहां पर अगर सिलिकॉन मेटालॉइड है तो मतलब वो दोनों की प्रॉपर्टी दिखाएगा, इसकी अकेले सिलिकॉन मेटल की प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे आर इज फॉल्स, क्या लिखेंगे हम यहां पर, आर क्या है, आर फॉल्स है। आ रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रही हूं यहां पर, ए ट्रू है और आर जो है वो फॉल्स है। ठीक है, अब देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ए ट्रू है एंड बट आर इज फॉल्स, तो यहां पर इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कौन सा ऑप्शन होगा, सी। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम जो है हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे करना है हमें सॉल्व, इसी तरीके से हमें एक एक स्टेटमेंट को, एक एक असर्शन को, रीजन को प्रॉपरली रीड करना है, और रीड करने के बाद में हमें ये देखना है कि हमारे इन चारों पॉइंट्स में से हम किस पॉइंट को उसको अप्लीकेबल करवा सकते हैं, और साथ में ही इस तरीके से रफ में हम बनाकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और इजिली मार्क्स जो है वो गेन कर सकते। सो स्टूडेंट्स आई होप आज के क्लास में मैंने ये नया सीरीज जो स्टार्ट किया है ये आप सभी को पसंद आएगा और आई होप आप सभी इसको एंजॉय करेंगे। और अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं डेफिनेटली सॉल्व करूंगी। थैंक यू।